नमस्कार साथियों, आज अनशन का 13वां दिन है और कल झुंझुनू से तबीयत बिगड़ने की वजह से जयपुर रेफर किया था। तो कल शाम को मैं मेडिसिन वार्ड में एडमिट हुआ जिसके हालात बहुत ख़राब थे। मेडिसिन वार्ड से मुझे आज दोपहर बाद और सेहत में गिरावट आने की वजह से डॉक्टर्स ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो आपकी 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 दी हुई ताकत है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की अभी तक मैं डटा हुआ हूँ। आज पूरे दिन विभिन्न पार्टी के नुमाइंदों में से मिलने आए मेरी सेहत मेरा हालचाल लेने, और सरकार की तरफ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी विधायक हैं, सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री जी के, वो शाम को आए हमारी मांगों के संबंध में। तो उन्होंने बताया कि हमने मांगे रखी उनके सामने, चार हमारी मुख्य मांगे थी, तो उसमें से एक मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है जो हम शुरू से रख रहे थे, ये डीपी जरोली का उसका इस्तीफा लिया जाए, तो वो मांग पूरी हो गई है। तो तीन मांगे हमारी और शेष रह गई थी, एक तो कमेटी का गठन जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में जितनी भर्तियां होती है राजस्थान में RS से लेकर नीचे लेवल तक की, उनमें स्थायी सुधार हेतु एक कमेटी का गठन हो। दूसरा था ये राजस्थान जो रिट हुई थी पिछले साल, राजस्थान SI GN लाइब्रेरियन, इनकी CBI जांच हो, परीक्षा रद्द हो। तीसरी जो है वो जो आगामी विधानसभा सत्र आएगा उसमें नकल माफियाओं के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून, जो हम उसके बता चुके हैं कितने साल की क्या होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि हम आपकी एक मांग CBI इंक्वायरी को छोड़ के जो दूसरी मांगे हैं उन पर विचार करेंगे। पुख्ता कोई उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया, बोले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, पर ये आपकी CBI इंक्वायरी वाली मांग हम नहीं मांग सकते। तो हमने कहा कि हम अपनी मांग पे कायम हैं,